शांति प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वह किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। गीत इस पाप की दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है, ज्ञान की भू-भू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरा, बाप समान नॉलेजफुल ब्लेसफुल बनना है, सोमरस पीना और पिलाना है। वरदान, फालो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। सी फालो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो, कभी भी आत्माओं को नहीं देखना। क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं, इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस हैं, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। ओम शांति।